हेलो सभी को। और ये है मेरा माइका ब्लॉग थर्ड। पता है आज मैं जाने वाली हूँ, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। शाम को आ जाएंगे अमित जी, कह रहे थे 5-6 बजे तक आ जाऊँगा। और पता है यहाँ जो है, मैं मतलब ये जो मेरी दीदी का घर है, मतलब थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे है, मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ की जो सोसाइटी में एक मंदिर है, वहाँ की मेरी दीदी केयर टेकर है। क्योंकि ना यहाँ सब जानते हैं कि दीदी जो है मतलब बहुत पूजा पाठ वाली है या जैसे, तो उस मंदिर की देखरेख जो है मेरी दीदी ही करती है। तो मैं वो आज आपको दिखाने वाली हूँ। और बहुत लोगों ने मतलब पूछा था कि ना आप अपने घर में सबसे अलग हो, तो मैं अलग हूँ। एक्चुअली मैं अपनी मम्मी के काफ़ी दिनों बाद हुई थी और सबसे छोटी हूँ, बहुत लाडली हूँ। मैंने आपको बताया था, मैं अपनी जो मुझसे बड़ी दीदी हैं जो यहाँ रहती हैं, वो मुझसे 11 साल बड़ी हैं, और उससे बड़ी हैं वो मुझसे 16 साल बड़ी हैं, और जो मेरे भैया हैं मुझसे 19 साल बड़े हैं। तो आप सोचेंगे इतना सारा डिस्टेंस, तो ये सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। और मैं सबसे अलग हूँ अपने घर में, मेरे जैसा मतलब मेरे जैसा नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझसे सब बड़े हैं, मतलब मैं किसी से नहीं मिलती, किसी से मेरा फेस नहीं मिलता, और यहाँ तक कि मेरे बच्चे मुझसे नहीं मिलते तो ये तो अपना अपना भाई वो है। और मेरी मम्मी जो है पेंशनर है, मैंने आपको बताया, वो मेरे पापा जल निगम में एम्प्लॉय थे, और उनकी मैं जब 8 साल की थी जब मेरे पापा की डेथ हो गई, मुझे भी ज़्यादा मतलब है थोड़ा ध्यान है जब मेरे पापा की डेथ हुई थी। और उसकी जगह फिर मेरे भैया तो मतलब मेरे पापा जी के बाद मेरे भैया ने उस जॉब को ज्वाइन किया था, और वो अभी हेड कैशियर हैं वहाँ पे। तो मैं जब भैया के जाऊँगी कभी तो मैं ज़रूर आपसे मिलाऊँगी, पर अभी तो नहीं, क्योंकि अभी तो दोनों दीदी के ही होके आई हूँ और भैया थोड़ा दूर रहते हैं, तो इस वजह से मैं। और मेरी रही मेरी मम्मी की बात, जैसे बहुत लोग क्वेश्चन करें कि आपकी मम्मी मतलब आपके भैया के पास क्यों नहीं रहती हैं, तो ऐसा है कि मेरी मम्मी एकदम आज़ाद हैं, मेरे भैया भी रोक टोक नहीं करते, उनकी मर्जी वो कहीं भी रहे। और भाई देखो, भैया भी अच्छे खासे कमाते हैं और बड़ी दीदी भी ठीक ठाक हैं, छोटी दीदी भी ठीक थी, पर जीजू के बाद थोड़ी वो फिर अकेली रह गई, तो इस वजह से थोड़ा सबने बोल रखा है कि आप दीदी के साथ रहो, और फिर मेरी मम्मी दीदी के वो भी दीदी के पास रहना ही सही समझती हैं। आप सोचो कि ना उनकी ससुराल से कोई है या नहीं है, हालांकि सब हैं। एक्चुअली उनके जो जेठानी हैं वो अपने अलग अलग सेटल हैं, तो आज के ज़माने में कौन किसे रखना पसंद करता है, सास ससुर है नहीं हम दीदी के, तो इसी वजह से फिर वो जिया जी जो थे शुरू से ही अलग रहते थे, जैसे सब लोग अपने अपने सेटल थे, अब उनकी डेथ के बाद फिर वो अकेली रह गई, तो फिर मम्मी उनके साथ रहती थी इसी वजह से। और आज मैं जा रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये है तनु, तनु तनु इधर आओ, देखो तनु ये रहा, तनु हाय बोलो, हाय आज हम जा रहे हैं, पापा छंग जा रहे हैं तो मैं अभी आपको पहले मैं पैकिंग कर लूँ। अभी टाइम मैंने आज सुबह से व्लॉग शूट नहीं किया था, अभी हो रहे हैं आई थिंक 3:30 बज रहे हैं, मुझे यहाँ से वॉश दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं अभी आपको ना मम्मी ना मंदिर के पट खोल आई हैं, तो मैं वहाँ आपको दिखाने चलती हूँ, तो फिर मुझे और भी बच्चे कुछ पैकिंग है वो करनी है, तो अभी चलते हैं मंदिर। ये तनु मेरे साथ आया है और आ चुकी हूँ मैं मंदिर। ये है यहाँ का मंदिर, यहाँ की सोसाइटी का, काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर है, छोटा है पर बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। ये सबने ना आपस में कलेक्शन करके तब बनवाया है, और यहाँ की मेरी दीदी केयर टेकर है, वो ही यहाँ की देखरेख करती हैं, उन्हें डेली यहाँ झाड़ू पोंछा और भगवान जी को साफ़ करना, ग्लास वगैरह क्लीन करना, और उन्हें भगवान जी को नहलाना, उनके पोशाक बदलना, ये सब जो भी काम होता है, और यहाँ की आरती और ये सब दीदी करती हैं, आरती और प्रसाद वगैरह जो भी भजन कीर्तन होता है ना वो सब दीदी करती हैं, मतलब सारा मंदिर दीदी के ऊपर है, वो ही संभालती हैं सब कुछ।
और ये देखिए यहाँ की ये प्रतिमा है, ये है राधा कृष्ण, और ये नीचे पांचों जो नंदी बाबा, महादेव जी और ब्रह्मा जी ये सब होते हैं वो है, ये कलश है, और ये उधर राम लक्ष्मण सीता मैया की प्रतिमा है। मुझे ना यहाँ की ये प्रतिमाएं ना बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे ना काफ़ी लोग काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें माता रानी को चढ़ाते हैं, सभी भगवान को चढ़ाते हैं। ये हैं दुर्गे माँ और ये हैं लड्डू गोपाल जी। ये देखिए ये पोशाक है ना, मम्मी बनाती हैं लड्डू गोपाल की। और ये इधर गणेश जी हैं, और ये इधर काली माँ हैं, ये इधर शिव पार्वती जी हैं। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी प्रतिमा। पता है यहाँ जो भी इस मंदिर में आता है उन सबको प्रतिमाएं बहुत सुंदर लगती हैं यहाँ की। ये इसका एंट्रेंस है और ये जीना है ऊपर के लिए, और ये देखिए इधर ये सारे में सब मूर्तियाँ हैं अंदर, मैंने अभी आपको दिखाई। कैसी लगी ज़रूर बताना। यहाँ पे जो पूजा पाठ है ना वो आरती वगैरह सब दीदी करती हैं, और यहाँ की साफ़ सफाई भी दीदी करती है। और जैसा कि आप जानते हैं भगवान की सेवा करना बहुत ही शुभ माना गया है, तो मैं तो भी ये मानती हूँ कि मेरी दीदी बहुत लगी हैं जो उनको ये सब करने को मिल रहा है। तो ये है यहाँ की सोसाइटी का मंदिर, और कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और अभी मुझे जाके करनी है थोड़ी सी, और मेरी पैकिंग रह चुकी है, खाने पीने की प्रिपरेशन कर रही है मम्मी, क्योंकि लेके जाना है। आपको जो आवाज़ आ रही होगी ना वो इसलिए आ रही होगी, सामने जो है ना, यहाँ पे सामने ये यहाँ पे एक छोटा सा कारखाना है, मतलब पॉलिश वगैरह कुछ पता नहीं क्या करते, मुझे नहीं पता, बस यही एक इस गली में एक यही है। हालांकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज एरिया अलग है बिल्कुल, पर ये मतलब कोई होता है ना चिमनी विमनी वाले, वो चीज़ नहीं है इसमें, नॉर्मली काम होता है वैसे ही कुछ। तो ये वो है, और उसकी आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ माइंड मत करना। तो मम्मी अभी खाने की प्रिपरेशन कर रही है, दीदी अभी आई नहीं है, और खाने पता नहीं क्या मिल रहा है, मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पे आपको मंदिर दिखाने चली आई, तो देख मिलती हूँ आपसे, अगर मैं शूट कर पाई तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, और मंदिर कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और मैं ये कर रही हूँ पैकिंग, कुछ मैंने सुबह कर ली थी, फिर थोड़े कपड़े वॉश किए थे, बच्चे अच्छे नहाए थे ना, तो कुछ वो जो अब सूख गए थे तो मैंने कहा अब इनको भी लगा लूँ। और ये वही सूट हैं जो मैं घर से लाई थी, तो मम्मी कह रही थी देखियो बेटा मुझे तो दिख रहा नहीं है इस पे तुरपन हो गई या नहीं, तो मैं वही देख रही थी, तो इस पे तुरपन नहीं हुई थी, तो फिर मम्मी ने फटाफट की। तुरपन का काम हमेशा मम्मी ही करती हैं। मैं जब शादी से पहले भी अपने सूट सिलती थी या तो दीदी सिलती थी, तो मम्मी तुरपन करती हैं, क्योंकि मम्मी से अब सिलाई कम होती है, उनसे बैठा नहीं जाता, तो सिलाई वगैरह तो हम खुद कर लेते हैं, पर तुरपन का काम मम्मी करती हैं। तो मैं ये सारे कपड़े, ये देखिए ये सारे सूट जो मैंने अभी दिखाए ना आपको, सलवार वगैरह ये सब मैंने यहीं पे सिले हैं, और मैंने अकेले ने नहीं सिले, मेरी मम्मी ने मुझे हेल्प किया, मेरी बड़ी दीदी ने हेल्प किया, तब जाके ये सूट सिल पाए, नहीं 3 दिन में कहाँ कुछ हो पाता है। बस 3 दिन ऐसे कट गए समझो कि बस रात को सो गए, सुबह आँख खुल गई, कुछ ऐसा पता ही नहीं चला। और ये मम्मी ने मुझे बेडशीट दी है, मैंने बोल रखा था मम्मी एक बेडशीट लेना, क्योंकि मैं यहाँ से मार्केट बहुत कम कर पाती हूँ, तो ये बेडशीट मम्मी ने ली थी मेरे लिए। और मम्मी ने खाने की प्रिपरेशन कर ली है, नीचे आते होंगे। मैं जा रही हूँ अपने घर, 2 दिन काफ़ी अच्छे कटे घर के, मायके में हर किसी को अच्छा लगता है, बस और क्या कह सकते हो, मम्मी परेशान है जाने के लिए। थैंक यू।
हमेशा लड़कियों को क्यों ही जाना होता है? कभी लड़के नहीं जा सकते क्या? लड़कियां क्यों पराया धन बनाई हैं भगवान ने? पता है मेरी मम्मी अभी निराश हो रही थी, मुझे बहुत अजीब सा, मैं पता है मैं रोऊंगी ना तो मम्मी और ज़्यादा रोएंगी, पर मैं नहीं रोती, मैं संभालती हूँ मम्मी को, क्योंकि भाई अब मैं रो दूंगी तो वो समझेंगी कि इसका मतलब आप समझ सकते हो, तो मैं बहुत ही कम रो पाती हूँ। अब मैं बस मम्मी को संभालती हूँ। मम्मी इसलिए रो रही थी क्योंकि मैं 2 से 3 दिन के लिए ही आई, उनका मन था कि मैं राखी तक रह कर जाऊँ, पर आप समझ सकते हो कि मेरे ससुराल में भी कोई नहीं है देखने के लिए, वहाँ पे भी मम्मी अकेली हैं। तो विनी जी ने मुझे 2 से 3 दिन दिए, वही काफ़ी हैं। जब घर पे जॉइंट फैमिली हो ससुराल में तो समझ आता है कि हम चलो रह आएंगे, जेठानी है, ननद हैं, पर मेरे यहाँ तो कोई नहीं है। और मैं जब जाती हूँ ना या आती हूँ तो सभी लोग मुझसे मिलने आते हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आती हूँ और बीच में भी चक्कर बहुत कम लगाती हूँ, इसी वजह से। तो मेरी जो पड़ोस की आंटी भाभियाँ हैं वो सभी मुझे मिलने आई थी, और मम्मी दीदी बहुत ज़्यादा परेशान थी। काश लड़कियों की विदाई ना हो, सब अपने अपने पेरेंट्स के साथ रहें। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो करना, और लाइक करें, शेयर करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। अब मैं आपको ससुराल में मिलूँगी।